अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, क्या हाल है सब? तो उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। ये है जी वो पैनल जो कल तैयार हुआ है पैसेंजर होस्ट के लिए, VG 37 किलोवाट VFD है, 37 किलोवाट वाला। तो ये एक्चुअली पहले लिफ्ट थी नॉर्मल ऑपरेशन वाली, VFD के साथ नहीं थी। तो ये अभी VFD के साथ तैयार हो गई है, तो हम इसकी अभी फाइनल टेस्टिंग करने लगे हैं। ये है जी इसका ऑपरेशन बॉक्स, ये है जी स्टार्ट स्विच ऑन, स्टार्ट बटन स्टार्ट हो गई। ये मेन पावर सप्लाई हमारी SPV में आई है, यहाँ से हो के फिर इस एमरजेंसी वाला स्विच रहता है उससे हो के फिर ये पैनल इसका अभी छत पे लगेगा रूफ पे, तो इस पैनल में आ गई है ये RST। तो इन्वर्टर हमारा अभी रेडी है, हम अभी चेक करने लगे हैं इसको। ये हैं जी इसके सेफ्टी स्विचेस, अगर इनमें से कोई स्विच भी ओपन रहेगा या छत वाला डोर खुला रहेगा तो लिफ्ट ऑपरेट नहीं होगी। ऑपरेट करेंगे ज़रा अप डाउन लगाएं, किधर भी नहीं हो रही ना। स्टार्ट वाला बटन प्रेस करें, अभी चेक करें, नहीं हो रही। ये स्विच भी ओके है जी। इसके बाद ये एंट्री डोर वाला स्विच है, ऑपरेट करें, नहीं हो रही जी। ओके स्टॉप करें, ये हो गया जी। इसके बाद ये सेफ्टी डिवाइस है, अगर इमरजेंसी में कहीं ब्रेक फेल्ड होते हैं तो ये सेफ्टी डिवाइस होल्ड कर लेती है केबिन को। आपका स्विच रिड्यूस डाउन स्विच, ये रिड्यूस स्विच इमरजेंसी स्विच, और इसके साथ अभी इसका ये हैं जी मोटरें, 11 किलोवाट वाला यूनिट है ये। ऑन करें मनाजिर, आप करें, ये हो गए जी ऑन। अभी टेम्परेरी चेकिंग के लिए हमने नीचे रखा हुआ है इसको, तो ये अभी चल रही है जी हमारी। जाने दें मनाजिर आप, मैं जाने दो। हाई स्पीड है जी हमारी 50 हर्ट्ज़। ये कुछ कंट्रोल रिले हैं लगी हुई हैं, ये ब्रेक की रिले है, ये स्पीड रिड्यूस करेगी, ये डाउन का कट है और ये आपका कट है। और ये वाली जो है ये हमने रिले लगाई है केबिन को ऊपर से ऑपरेट करने के लिए, इंस्पेक्शन के टाइम पे या सर्विस वगैरह मेंटेनेंस करने के टाइम पे उसके लिए लगी हुई है। मनाजिर स्विच चेंज करें, छत से ऑपरेट करवाने वाला, घुमाओ ना दूसरी तरफ घुमाओ, ये अभी अंदर से ऑपरेट करो, होती है नहीं हो रही। तो अभी ये ऑपरेशन यहाँ पे शिफ्ट हो गया है, ये हो गया जी आप, और ये साथ में एक रैक स्विच लगा हुआ है, अगर कहीं ऊपर से रैक डैमेज हो गया या सेक्शन ख़त्म हो गए, लिमिट स्विचों ने अप और डाउन वालों ने नहीं काटा, तो ये रैक वाला स्विच जो है ये प्रोटेक्शन लगी हुई है एक्सेप्ट ही है, तो ये कट कर देगा हमारी पावर सप्लाई को। यहाँ से ये हो गए जी डाउन, ये हो गए जी अप, अप और डाउन केबिन के बाहर से ऑपरेट करने के लिए इसकी स्पीड स्लो है। अभी ये केज को ऊपर से ऑपरेट करने के लिए 30 हर्ट्ज़ पे है, लो स्पीड पे है, यानी इंस्पेक्शन के टाइम के लिए है ये। तो जो ही हम ऑपरेशन केबिन इन से शिफ्ट करते हैं तो वहाँ पे 50 हर्ट्ज़ पे ऑपरेट होगी। ये नीचे सारे जॉयस्टिक की वायरें और लिमिट स्विचों की वायरें, मोटरों की वायरें, 3 मोटरें हैं इसमें, और मेन पावर सप्लाई लगी हुई है। ये इसका मेन कॉन्टेक्टर है, वो आगे
आउटपुट वाला है जो आउटपुट पे लगेगा। आउटपुट वाला तभी ऑन होगा जब हमारी सारी सेफ्टियाँ ऑन होंगी, यानी डोर क्लोज होंगे, छत वाला डोर, एंट्री डोर, एग्जिट डोर, ये रैक वाला ओके होगा तो हमारा ये आउटपुट ऑन होगा, अदरवाइज़ आउटपुट वाला ऑन नहीं होगा। तो ये है दोस्तों पैसेंजर होस्ट का पैनल जो कल तैयार हुआ है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कोई और पैनल बना तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। और ये दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं पैनल के साथ ही हमने लगा दिए हैं, तो इंशाल्लाह ये सक्सेस हो गया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कोई और पैनल बना तो इंशाल्लाह वीडियो आपके साथ ज़रूर शेयर की जाएगी। ओके जी, थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।